ना नहीं मानता ग्रैनी। भैंस की पूछा हमारी ट्रेन ट्रेन नहीं एरोप्लेन बन गई एरोप्लेन। ग्रैनी ग्रैंडो फिर मेरे को एरोप्लेन उड़ाने दो ना फिर। अरे चल भागो से। भैंस कुछ बड़ा हमारा एरोप्लेन उड़ा। मेरे को भी एरोप्लेन उड़ना है, मेरे को भी एरोप्लेन उड़ना है। तो गाइस फिलहाल के लिए ये लोग को इग्नोर करो। तो हेलो डीएचएन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं ग्रैनी ट्री पे प्लेन स्केट। सो आज हम लोग ट्रेन चला के नहीं उड़ा के ले जाने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से गेम प्ले को शुरू करते हैं। तो गाइस जब तक वीडियो शुरू हो रही है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ टल्ली बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना रे बाबा। तो फाइनली हम लोग ग्रैनी हाउस पे पहुंच चुके हैं एंड अभी ना फटाफट से हम लोग यहाँ से लॉक पिक उठा लेते हैं। तो जब तक मैं इस लॉक पिक से इसको ओपन कर रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और इस वाले वीडियो पे ना गाइस हम लोग 50,000 का लाइक रखते हैं। आई होप कि आप लोग करवा दोगे ना गाइस। नहीं ओके, तो फिलहाल ये ओपन हो चुकी है एंड अभी ना थोड़ा सा बच के क्योंकि मुझे नहीं पता ये ग्रैंड ग्रैंडपा भी कहां पे होंगे। तो गाइस अभी ना सब लोग कमेंट में ओपी डीएचएन फैमिली लिख दो ताकि ग्रैंड ग्रैंडपा को पता चल जाए कि हमारी डीएचएन फैमिली उनसे बिल्कुल नहीं डरती। तो गाइस सब लोग कमेंट करो गाइस ओपी डीएचएन फैमिली। पूछो ओपी डीएचएन फैमिली लिखवाता है। ओ वहीं पर रुक जा भी आता हूं। गाइस ये बुड्ढा से कोई मत डरना गाइस, सब लोग ओपी डीएचएन फैमिली लिखो गाइस। अब तेरी ऐसी की तैसी, रुक तेरे को बताता हूं। अरे भाई निकल लो यहां से, अबे मैं तेरा सीधा पिच में गोली मारूंगा। और बाप रे बाप अभी तो मैं बाल बच गया गाइस। ओके तो मेरे को यहां से इलेक्ट्रिक स्विच मिल चुकी है। और यार ये पगली स्लेंडर ने परेशान करके रख दिया है। तो अभी ना गाइस इससे पहले ग्रैंडपा यहाँ पे आ जाए फटाफट से इस वाले डोर को ओपन कर लेते हैं। और यार खुल जा भाई खुल जा, क्योंकि कल सुबह मेरे को पनवेल भी निकलना है रे बाबा। तो फिलहाल ना गाइस मेरे को यहाँ से एक कोकोनट मिल गया जिसको भी मैं खा लेगा रे बाबा। तो अभी ना मैं मजाक कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ी देर शोर शराबा कर लूंगा ताकि ये शोर से ग्रैनी ऊपर की साइड आ जाए। आज तो मैं ग्रैनी के षड्यंत्र में बिल्कुल नहीं फंसने वाला। ओके तो कोकोनट को यहाँ पे डालते हैं। वही प्रोग्रामर जो शेयर करता है। अरे भाई इसने फिर से मेरे को देख लिया, निकल लो यहाँ से। अभी तो मेरे को काफी डर लग रहा, बस अभी नीचे से ग्रैंडपा ना जाए। अभी एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच पड़ी है तो जल्दी से इसको उठाते हैं। अरे पगली सिलेंडर ना पहले पकड़ तो सही। गाइस ये आज तो मेरे को बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है। हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है। ओ भाई तब ग्रैंडपा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो ग्रैंडपा विलन से मिलने जा रहे हैं, तो फिलहाल मेरे को ग्रैंडपा से बच के रहना पड़ेगा। अगर अभी मेरे को ग्रैंडपा देख लेंगे तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। वैसे अभी मेरे को भी देखना है विलन यहाँ पे क्या कर रही है। तो चलो गाइस फटाफट से नीचे की साइड चलते हैं। नल का दरिया बह ही गया पेंट में पोटी हो ही गया। अरे छी छी साइड से ग्रैंडपा ने पेंट में पॉटी कर दिया, तो अभी तो मैं सोचू इतना गंदा स्मेल कहाँ से आ रहा। अरे कोई मेरे को देख तो नहीं रहा ना? अरे नहीं ग्रैंडपा कोई नहीं देख रहा। अरे ये किसकी आवाज है? ए भागो रे भूत, भूत। ये देख लो ये ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा ही डरपोक निकले, खुद ही भूत होकर भूत से डरते रहे बाबा। ए ग्रैनी बचाओ रे, नीचे भूत आ गया। ओके तो फिलहाल ग्रैंडपा यहाँ से डर के भाग गए। तो जब तक ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पे नहीं है तब तक मैं इस वाले स्विच को इसके प्लेस पे लगा देता हूँ। तो गाइस तभी ना भागने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि ना यहाँ पे भी काफी से रुक गया और ग्रैनी ग्रैंडपा ये सोच सुनकर भाग में कैसे आते होंगे। भाई तब मेरे को भी काफी डर लग रहा, तो इससे पहले ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पे आ जाए। अरे ये तो और शोर कर रहा है कब से, जब माइला नहीं दे रहे तेरे को टिकट भाग यहाँ से। जल्दी से अभी हम लोग इसके अंदर भी देख लेते हैं, क्या पता मैं इसके अंदर से कुछ काम का मिल जाए। और भाई मिल जाए क्या? मिल गया हमें। तो यहाँ पे से मेरे को वेपन की मिल चुकी है जिसको मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था। तो अभी ना गाइस फटाफट से हम लोग ऊपर की साइड चलते हैं। ओके तो फिलहाल यहाँ पे ग्रैंडपा भी आ गए, तो अभी ना गाइस थोड़ी देर हम लोग अंदर पे कर लेंगे ताकि ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पे आ जाए। और फिर क्या गाइस मैं अभी साइड से निकल लगा रे बाबा। अभी रुको रे बाबा थोड़ी सी देख लू। तो चलो यार रास्ता भी क्लियर है हमारा और अभी ना हम लोग आराम से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वेपन स्लेब अभी कहाँ पर होगा क्योंकि इस वाले घर पे ना सब कुछ चेंज हो चुका है। अरे मेरे को बहुत जोर से पॉटी लगी यार, मेरे को लगता है ये ग्रैंडपा दिन भर पॉटी करता ही रहेगा। तो यार ये काफी अच्छी बात है, ग्रैंडपा पॉटी करते रहेंगे ना, हम लोग आराम से यहाँ से स्किप कर लेंगे। तो अभी ना जल्दी से हम लोग बाहर की साइड चलते हैं क्योंकि मेरे को गुलेल चलाने के लिए स्टोन की जरूरत पड़ेगी। बस यार अभी मेरे को स्टोन मिल जाए। ओके तो यहाँ पे कुछ तो चमक रहा है, तो चलो यार मेरे को यहाँ से एक स्टोन मिल चुकी है। और अभी रुको यार एक यहाँ पे भी स्टोन पड़ी हुई है, तो जल्दी से भी हम लोग इसको भी उठा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टोन काफी मुश्किल से मिलती है बाबा। तो अभी इसको ओपन करते हैं, फटाफट से भी ऊपर की साइड चलते हैं। तो फिलहाल ना मेरे को ट्रेन उड़ाने के लिए काफी सारे सामान चाहिए होंगे, तो अभी थोड़ा सा संभल के क्योंकि टकलू ग्रैंडपा भी ऊपर में ही होंगे और अगर वो मेरे को देख लिए ना तो मेरा ही टकला फोड़ देंगे रे बाबा। मेरी विलन जरूर आएगी। अच्छा तो विलन ही मेरे सपनों की रानी ग्रैनी को छोड़ के विलन ही विलन करते रहते हैं। आज मैं ग्रैंडपा को नहीं छोड़ने वाला हूं। अब तेरे ऐसे की तरह बड़ा है मेरे को। अरे बाप रे बाप, हड्डी टूटना टूटा। ग्रैंडपा मेरे को अभी बिल्कुल नहीं परेशान करने वाले, तो अभी मेरे को किसी और से भी बदला लेना है। तो हाँ गाइस आप लोग बिल्कुल सही समझे।
बना मैं मेरा कलुआ और मैं मार्ग बना दूंगा तेरा हलुआ। तो गाइस अभी कमेंट में सब लोग राइप कलुआ लिख दो ताकि इस कलुआ की आत्मा को शांति मिल जाए बाबा। तो सब लोग कमेंट करो गाइस राइप कलुआ। ओके तभी वापिस से शॉटगन को उठा लेते हैं और मैं ना सीढ़ी से बिल्कुल नहीं जाने वाला क्योंकि ग्रैनी अभी वहीं पे कैंपिंग कर रही होगी और मेरे को भी मरना नहीं है बाबा। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ हेमो पड़ी हुई है जिसको मैं रिलोड कर लिया। तो अभी हम लोग जल्दी से नीचे की साइड चलते हैं और ग्रैनी ने यहाँ पे अभी आती ही होगी और इससे पहले की ग्रैनी मेरे को मार दे। और यार ये मेरे को अलग से ही परेशान करके रखी है। तो फिलहाल मैं एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को सेड की मिल चुकी है। और ना ग्रैनी क्या कर लोगी अरे ग्रैनी रो क्यों रही हो अरे छोटी बच्ची हो क्या अरे बस एक बार हाथ बजा तेरे को मार के सेम डायलॉग बोलूंगी। ओ भाई साहब ये ग्रैनी तो काफी गुस्सा गई है मेले को मारेगी चल भाग यहां से। तो सेफी को लगाते हैं देखते हैं क्या मिलता है। तो मेरे को यहां से ब्रिज क्रैंक मिल चुकी है जो कि हमें एरोप्लेन स्किप करने में काफी काम आने वाली है। तो हाँ गाइस आप लोगों को तो पता ही आज मैं ट्रेन चला के नहीं उड़ा के ले जाने वाला हूं। तो कहीं ट्रेन उड़ते हुए तो ब्रिज में टकराना जाए इसके लिए मेरे को ब्रिज को भी खोलना पड़ेगा रे बाबा। तो मैंने इसको ड्रम पे इसीलिए फेंका ताकि ये सीधा बाहर की ओर चला जाए। तो अभी जल्दी से गुलेल को उठा के नीचे की साइड चलते हैं और अभी मेरे को नहीं पता ग्रैंड पा कहां पे होगा। अरे भाई होगा नहीं होगा यार मैं भी क्या क्या बोलता हूँ। ओके तो फिलहाल वहाँ पे मेरी शॉटगन भी पड़ी हुई है बास्केटबॉल जो कि मेरा है। अरे नहीं नहीं मेरा है। अरे बाप रे बाप मार के मेरा पाद निकाल दिया। अरे छीछी यार निकलो यहाँ से। तो अभी इस कमेंट में सब लोग पदौड़ा ग्रैंड पा लिख दो क्योंकि यार इस गेम के स्टार्टिंग से ही पाद रहे हैं। यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो जल्दी से भी हम लोग ट्रेन की को उठाते हैं एंड अभी हम लोग चलते हैं अपनी उड़ने वाली ट्रेन के पास जो कि गाइस अभी बाहर की साइड खड़ी हुई है। और हाँ अभी ना इसको ट्रेन बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि अभी ये चलता नहीं गाइस उड़ता है। ओके तो जल्दी से भी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यार मेरे को काफी डर लग रहा है बाहर की साइड। और अभी तो ग्रैंड ग्रैंड पा आते ही होंगे और अगर वो लोग आ गए ना हमारा फर्स्ट डे में स्किप करने वाला चैलेंज खराब हो जाएगा। अरे पगली कहीं मेरे को डराई दी थी और अभी तो मेरा दिल मुंह से बाहर रहता। तो अभी कहीं आप लोग गेस करके बताओ इस कोकोनट में आखिरकार क्या होगा। मेरे को लगता आई थिंक इसके अंदर सेड की होगी या फिर कॉइन हो सकती है। वैसे मेरे को नहीं पता आप लोग गेस करके बताओ कि उस कोकोनट में आखिरकार क्या होगा। तो जब तक आप लोग कमेंट कर रहे हो तब तक मैं इस वाले ब्रिज क्रैंक को यहाँ पे लगा देता हूँ एंड बस इसको भी घुमाना है। और अभी ना गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ आइटम पड़ा होता है तो देखते गाइस हमें क्या मिला है। ओ भाई तो मेरे को यहाँ से ट्रेन की एक्सीलरेटर मिल चुकी है। तो अब इसको ट्रेन एक्सीलरेटर बोलो या प्लेन एक्सीलरेटर हमारे लिए बात तो बराबर है गाइस। तो अभी मेरे को यहाँ से स्किप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लेन टिकट चाहिए होगी जिससे कि हमारी प्लेन की गेट ओपन होगी। बट यार उससे पहले मेरे को ग्रैनी ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा वरना ये दोनों मेरे को ही मार देंगे रे बाबा। लेकिन अभी ग्रैनी ग्रैंडपा होंगे कहाँ आई थिंक यहाँ पे तो नहीं है। चमाइला मुझे लगता है ये मार के ही मानेगी। तो गाइस अभी ना सब लोग कमेंट में पगली स्लैंडर लिख दो। अच्छा मेरे पगली स्लैंडर ने पगली कहेगा यार ये ग्रैनी तो सच में रोने लग गई। तो चलो गाइस अभी देखते हैं हम लोगों को कोकोनट से क्या मिला था। तो चलो यार अभी काफी अच्छी बात है। तो मेरे को कोकोनट से कॉइन मिली थी जो कि प्लेन टिकट लेने में काफी काम आने वाली है। वैसे भाई मेरे को काफी डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता ये ग्रैंडपा भी कहां पे कैंपिंग कर रहे होंगे। बस यार अभी नीचे में ग्रैंडपा ना हो अगर वो हुए ना तो मेरा एक दिन का चैलेंज खराब हो जाएगा क्योंकि वो मेरे को मार देगा रे बाबा। वैसे वो बुढ़वा मेरे को लगता है सन्नी देओल का फैन है तभी तो जमाइला मुक्का से मारता है। ओके तो फिलहाल हम लोग नीचे की साइड चलते हैं। यार दे तो रहा हूँ टिकट गजब का भिखारी रोबोट है। बस यार अभी ऊपर पे कोई ना हो। तो फिलहाल ऊपर पे कोई भी नहीं है गाइस। पता नहीं ग्रैंड ग्रैंड अभी कहाँ पे चले गए। 470 में अपने शॉटगन को उठा लेता हूँ। सॉरी अपना नहीं ग्रैंड पा शॉटगन वरना आप लोग कमेंट करके बोलेंगे भैया क्या आपका शॉटगन थोड़ी ना है भैया। तो थैंक गॉड की यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो जल्दी से इस वाले की को उठाते हैं एंड अभी बस इसको अपना सस्ता वाला प्लेन पे लगाना है। बट उससे पहले मैं इस वाले डोर को लगा लेता हूँ। ओके डन गाइस। तो अभी मेरे को ये सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ग्रैनी ग्रैंड पे यहाँ पे आते ही होंगे और अगर वो लोग मेरे को ये सब करते दिख लिए ना तो वो लोग मेरे को फिर प्लेन उड़ाने नहीं देंगे रे बाबा। अभी मेरे हाथ में एक्सीलेटर है तो अभी इसको यहाँ पे लगाना है एंड दैट्स ऑल गाइस। और ये गंजू ग्रैंड पर मेरे को कुछ ज्यादा ही परेशान किए थे तो आज मैं गंजू ग्रैंड पर शॉटगन चुरा के लेके भाग जाएगा रे पापा। जल्दी से कुंडी को लगाते हैं आई मीन गेट को। और अभी बस फाइनली गाइस हम लोगों ने फर्स्ट डे में ही ग्रैनी ट्री का प्लेन इसके पूरा कर लिया है। तो अभी गाइस मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी से चले प्लेन को उड़ाते ना रे पापा। तो बाय ग्रैनी बाय ग्रैंडपा बाय पगली स्लेंडरीना। अरे ग्रैंडपा जैसे बड़ा रेड प्लेन एस्केप भी कर लिया। ग्रैनी तो टेंशन मत ले इधर हम लोग मंगरू एस्केप लाएंगे। इस बार मंगरू में बैठ के एस्केप करना है। अरे बड़े बड़े वीडियो चला कर वीडियो कलेक्टर कमल कर दो। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना 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 खत्म बाय बाय टाटा।